हेलो दोस्तों, रेनीज वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे मायके बागेश्वर की वीडियो, जहाँ पर को अभी चल रही है उत्तरायणी कौतिक की तैयारियाँ। मकर संक्रांति के अवसर पर होने वाला उत्तरायणी कौतिक, जो पूरे उत्तराखंड में फेमस है बागेश्वर का, तो वहाँ पर को आजकल कुछ सजावटी चीज़ें की जा रही हैं, सजाया संवारा जा रहा है नगर को। ये देखिए, एक बहुत बढ़िया सेल्फी पॉइंट यहाँ पर को बनाया है। यहाँ पर को आप अपनी बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। पीछे से सीनरीज भी बहुत गजब की आएंगी, नदी है, तट है, और जो तट हैं नदी के जो चारों ओर से जगह पर बनाए गए हैं, तो यहाँ पर को बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं, ये ऋषि मुनियों की पेंटिंग्स बनाई गई। असल में जो बागेश्वर है उसका एक अपना पौराणिक महत्व है। ये नगरी को माना जाता है भगवान शिव के गण थे चंडीस, उन्होंने बसाया था दूसरी काशी के रूप में। तो और जब बसाया उसके बाद यहाँ पर को मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते उनको काफ़ी समय हो चुका था। तो वशिष्ठ जी को यहाँ से सरयू नदी को लेकर आना था, पर सरयू कैसे बहें आगे से, क्योंकि बीच रास्ते में तो ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने व्याघ्र रूप धारण किया था, यानी कि बाघ का, और माता पार्वती गाय के रूप में आई थी। तो माता जो पार्वती हैं उनको गाय के रूप में, तो उनको बचाने के लिए व्याघ्र से मार्कंडेय ऋषि को अपनी तपस्या से उठना पड़ा था, और सरयू आगे को बही थी। तो इस तरीके से इस जगह का नाम व्याघ्रेश्वर, यानी कि बागेश्वर, जो अभ्रंश होकर हो गया वो पड़ गया था। यहाँ पर को देखिए, सरयू और गोमती दो नदियाँ बहती हैं, इतना साफ ये सरयू है, और इसका देखिए पानी कितना साफ सुंदर है। और ये सरयू के किनारे किनारे कितनी सुंदर सी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग सजावटी की गई है। और पानी का पानी देखिए कितना साफ है, कल कल बहता पानी चारों ओर से, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी नगरी दिख रही है। तो ये जो है सरयू और गोमती दो नदियों का संगम यहाँ पर को माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि सरस्वती भी यहाँ पर को लुप्त रूप से संगम में सम्मिलित होती है, तो इस तरीके से त्रिवेणी भी हो जाती है। और बिल्कुल उत्तराखंड की काशी इसे कहते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से इसको प्रयागराज प्रयाग जो तीर्थराज हम कहते हैं प्रयाग, उसी की तरह इसको मान्यता प्राप्त है। तो इसका अपना एक बहुत बड़ा पौराणिक महत्व है। ये हमारा बगड़ है, सरयू के जो किनारा है या तट है उसे हम बगड़ कहते हैं। तो ये बगड़ इस पार से उस पार की फ़ोटो, ये वीडियो ली गई है, आप देख सकते हैं। तो बगड़ में भी काफ़ी लोग जो स्नान करने वाले हैं वो अभी भी दिख रहे हैं। ये मंदिर की साइड से वीडियो ली है सामने की ओर को। तो ये इस तरीके से तट में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग, वैसे भी कलरफुल पूरी दिख रही है। और ये बगड़ में जो है, यानी कि जो सरयू का किनारा है, तट है, उसे हम बगड़ ही कहते हैं। तो वहाँ पर को भी इस तरीके से अलग अलग पेंटिंग की गई है, ये जो आप देख सकते हैं सुंदर सा आप ये देख रहे हैं। और ये जो है हमारा मंदिर, जो परिसर है मंदिर को भी बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। ये आरती करते हुए दिखाई गई है एक पेंटिंग। इसी तरीके से आप अगर पूरे नगर में घूमेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो हमारे सामान्य जनजीवन को दिखाती हैं, जो हमारी आस्था को दिखाती हैं, जो हमारे सामान्य जनजीवन को दिखाती हैं, हमारा जो तरीका है जीने का वो दिखाती हैं, प्रकृति को दिखाती हैं। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। ये भगवान भोलेनाथ की बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई गई है, काफ़ी ऊंची है, और काफ़ी शांति यहाँ पर को आकर महसूस होती है। ये बागनाथ मंदिर में ही बनाई गई है, बगड़ के किनारे पर को ही। तो बहुत प्यारी सी ये प्रतिमा बनाई गई है। और ये देखिए आप, ऋषि मुनियों के इस तरीके से यहाँ पर को पेंटिंग बनाई गई है। ये बगड़ का पूरा इलाका है, और ये सरयू में जो किनारे किनारे पर को चारों ओर से छत डालकर भी वो बना दिए गए हैं, शेड डाल दिए गए हैं चारों सभी जगह पर को। ये हमारा बागनाथ मंदिर है, जो बागनाथ मंदिर की ओर को भी आप देख सकते हैं, जूना अखाड़ा है हमारा। बागनाथ मंदिर में ही जो साधु समाज संत समाज है उनका अपना जूना अखाड़ा है। इस तरीके से ये आप पूरे नगर में अगर घूमा करेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स वहाँ पर को बनाई गई हैं। अद्भुत कार्य इस बार हुआ है, क्योंकि ये मेरा मायका है, मेरा बचपन गुजरा है, मेरी कॉलेज की पढ़ाई यहाँ हुई है। तो भाई ने जब ये वीडियो भेजी थी तो काफ़ी मैं भावुक हो गई थी, और हालांकि वीडियो सही नहीं आई थी, पर फिर भी मैं इसे आपसे शेयर करने का मोह ही नहीं छोड़ पाई। आप ये देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है, घास काटती हुई महिला।
हमारा जो जनजीवन है ना, सबसे अच्छी बात यह है उसको भी बहुत अच्छे से जो भी पेंटर थे उन्होंने बहुत अच्छा इस पर काम किया है, जिस तरीके से दिखाया है। देखिए नीचे घास काट रही, ऊपर वो महिला अपने पीठ में जो हमारे यहाँ डुक्की बोलते हैं टोकरी जो होती है उनमें लेके जा रही हैं घास, हमारे पर्वत श्रृंखलाएँ बर्फ से लदी दिखाई जा रही है, नदी दिखाई जा रही है। जो जो प्रस्तुतिकरण है ना वो बहुत ही सुंदर है। नगरी जो हमारी बागेश्वर नगरी है वास्तव में बहुत सुंदर लग रही है। इसका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। कुली बेगार प्रथा का अंत यहाँ पर हुआ था, बद्रीनाथ पांडे जी के उन्होंने नेतृत्व किया था और बाकी सभी क्रांतिकारी उनके साथ थे। तो उस समय मकर संक्रांति के समय ही हुआ था, 1921 के समय मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने जो रजिस्टर थे वो बहा दिए थे नदी में, और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। तो इसलिए बागेश्वर का अपना ऐतिहासिक महत्व है, साथ ही पौराणिक महत्व भी है। ये हमारी उत्तराखंड की काशी है। और आज मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर करके बहुत खुश हूँ। ये जो मैं आपको कथा सुना रही थी मार्कंडेय ऋषि व्याघ्र और गाय की, वो भी इन्होंने पूरी दर्शाई हुई है कथा के रूप में, एक स्टोरी के रूप में हमारे जहाँ के पेड़ जंगली सब दिखाए गए हैं। तो धन्यवाद।